नमस्कार, आर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर के लीक होने को लेकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते आज छात्रों ने झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गरौठा चौराहे पर छात्रों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने छतरपुर मार्ग को भी जाम करने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, उप जिला अधिकारी गोपेश तिवारी द्वारा छात्रों से मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उच्च अधिकारियों तक बात रखे जाने का आश्वासन भी दिया गया है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। सरकार बोल रही है कमेटी इस जांच प्रक्रिया के लिए आगे जो भर्ती होगी उसके लिए जांच कमेटी है, ये भर्ती लीक के लिए कोई जांच कमेटी नहीं है। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, जो अरुण सर हैं रीजनिंग वाले, उन्हें 9:32 पर टेलीग्राम पर डाल दिया था पेपर, और पेपर की टाइमिंग चालू हुई 3 से 5 बजे तक। तो इस तरह 70,000 बच्चों ने देख लिया है और एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, भर्ती है 60,244, तो एक ही शिफ्ट बच्चे सब टूट जाएंगे। हम मेहनत करने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे सर? हमारी यही मांग है कि री एग्जाम कराए, और हमारे योगी जी से कोई दरख्वास्त कोई वादा नहीं है किसी प्रकार की कोई सरकारी होकर, लेकिन हमारे री एग्जाम कराए और बड़े स्तर पे जो जांच कराए और जो मुकदमा दायर करें वो फांसी की सजा दी जाए उन्हें। हमारी मांग है, आप लोगों ने कहाँ प्रदर्शन किया है? हमारा प्रदर्शन मऊरानीपुर में है, पटेल चौराहा सिटी गार्ड के पास। क्या मांगे हैं आप लोग? सर, हमारी मांग है कि री एग्जाम हो, क्योंकि बड़े स्तर पर पेपर वायरल हुआ है, जिसमें 1.5-2 लाख 18 की सेकंड शिफ्ट में ही वायरल हो गए हैं, 17 की सेकंड शिफ्ट बड़ी स्तर पे, कुल मिलाकर चारों शिफ्ट वायरल हुई है। इनका थोड़ा सा कम, लेकिन दोनों शिफ्ट को बहुत भयंकर स्तर पे वायरल हुआ, तो हम पढ़ने वालों का क्या महत्व रह गया? फिर तो वही है कि जो पढ़ने जो पेपर जिनके पास पहुंच हो गई उन्हीं का सिलेक्शन है, तो हमारा पढ़ने का कोई महत्व नहीं रह गया, औचित नहीं रह गया। गांव के ग्रामीण बच्चे हैं जो वो हमें कोचिंग लाइब्रेरी में मिले हैं, बड़े हताश हैं, निराश हैं, और उनका वो उनका चेहरा देख के वाकई में आंसू आते हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो उनका वो बड़े अपने आप उस किए हुए थे, उनको बड़ी संभावना किए थे। सरकार से मांग है कि एक हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए और इसका फिर से ऐसी व्यवस्था की जाए कि दोबारा से पेपर कैंसिल लीक ना हो और री एग्जाम प्रमुख तरह से री एग्जाम हो। हमें इस कमेटी पे भरोसा नहीं है। क्या नाम है आपका? सर चंद्रपाल सिंह। आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारा पेपर लीक लेकर है। अच्छा।